guys, welcome to Divya's Artistic Life series, and now we are going to present our travel journey about the Thailand country. So, सबसे पहले थाईलैंड कंट्री का जो टूर है वहाँ पर हम इंडिया के दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एग्जिट होकर पहुँचे थे बैंकॉक सिटी और बैंकॉक से हम सबसे पहले गए थे पटाया. सो थाईलैंड का हमारा जो पहला होटल था जो पटाया सिटी के सेंटर में सिचुएटेड था जिसका नाम था द लैंड रॉयल रिजॉर्ट. और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ जगहें अबाउट द लैंड रॉयल रिजॉर्ट. पटाया सिटी पहुंचते ही हम अपनी होटल की ओर बढ़े जो कि पटाया के सिटी सेंटर में सिचुएटेड है जिसका नाम है द लैंड रॉयल रिजॉर्ट. ये रिजॉर्ट पटाया के सबसे बीचों बीच सिटी सेंटर में मौजूद है जहां पर आपको हर तरह की बेहतरीन सुविधाओं के साथ बहुत ही डिलीशियस खाने का रेस्टोरेंट भी यहाँ पर ओपनिंग हो चुका है, महालक्ष्मी रेस्टोरेंट. Now we are going to present our vlog number 6 and this vlog based on our food travel journey. So guys, क्या है मेरे food vlog में खास बात? आइए मैं आपको लिए चलती हूँ Thailand के the Land Royal Resort महालक्ष्मी रेस्टोरेंट की ओर. Here we go. महालक्ष्मी रेस्टोरेंट आप देखिए, हम लोग इंडिया से आउट ऑफ कंट्री खाए लेकिन हमें इंडियन कल्चर यहाँ पे मिल रहा है महालक्ष्मी रेस्टोरेंट में. और रियली गॉड ने ब्लेस किया है, तभी हम यहाँ इतना डिलीशियस फूड ले पा रहे हैं. एंड आवर ट्रैवल एजेंट व्हाट इज योर नेम? आई एम टिकी. टिकी, एंड यू आर फ्रॉम थाईलैंड? आई एम थाई, आई एम स्टेइंग हियर. या ओके, सो उन्होंने मेरा बहुत ही वार्म वेलकम किया है. हमारा पूरा टीम मैनेज करने वाली है. शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैलेंजर एंड गॉर्जियस. लक्ष्मी एंड दिस रेस्टोरेंट नेम इज बेस्ड ऑन माँ लक्ष्मी. सो हमें हमेशा माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स मिलती अभी. आपने देखा बिल्कुल इंडियन स्टाइल में थाईलैंड में मेरा वार्म वेलकम हुआ विद गॉडेस इज लक्ष्मी. और जिस रेस्टोरेंट का नाम ही लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है, तो वो हमें ब्लेस कर रही है. और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे टूर की शुरुआत ही महालक्ष्मी के दर्शनों से हुई है. सो आगे बढ़ते हैं.
अभी आप देख रहे हैं माँ लक्ष्मी रेस्टोरेंट का वेलकम गेट जो कि एंट्रेंस पे बना है, और वेलकम गेट के बाद रेस्टोरेंट का बहुत ही खूबसूरत सा बैंक्वेट हॉल है जो इंटीरियर डेकोरेशंस के हिसाब से बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है, जहाँ पर आपको फूड के सभी एरियाज एंड काउंटर्स दिखाई देंगे, जहाँ पर स्नैक्स एंड ब्रंच का काउंटर अलग है, डाइनिंग काउंटर्स अलग है एंड डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स यहाँ पर दिए गए अकॉर्डिंग टू थाई कल्चर एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर मिक्स, बिकॉज ये इंडियन रेस्टोरेंट भी है और थाई रेस्टोरेंट भी है, तो ये दोनों ही कल्चर यहाँ पर मिक्स दिए हुए हैं। देयर इज द वेरी काइंड पर्सन हु आर डूइंग द रेस्टोरेंट वर्क, दिस इज द महालक्ष्मी रेस्टोरेंट एंड पीपल यू कैन सी द ब्यूटिफुल वंडरफुल बुफेट एरिया, यू कैन सी 24/7 स्नैक्स ओवर हियर, ब्रंच and breakfast snacks over here with the tea and coffee. You can see the main course buffet area. This is the Mahalakshmi crockery and this is the little water, drinking water area. Yeah, beautiful. And one person here who seated here and take his tea and coffee. Hello sir, what's your name? Dharmendra. So how's the experience about tea? Nice? Okay, so now moving on, next area. This is the front area, the front row about the sitting chairs. People sit here and eat very comfortably food here. The very beautiful little basket about the sauces, about the sauce and salt and all. The beautiful basket over here about the sauce and all. Hello sir, what's your name? Vijay. And now a Mahalakshmi restaurant vlog is going on and I anchor Divya, your friend. Sir, how was your experience about tea and all? Nice. Nice? You're from? India. Okay, thank you so much sir for your kind experience. Today's my dinner plate is ready. The mixed vegetable, my favorite dal and aloo matar with the snacks and salad with the tawa roti. So, हमारे बीच मौजूद है महेंद्र जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। सरस छे थाली कैसी छे? इंटरनेशनल थाईलैंड में जाके भी अपना इंडियन ओके इंडियन फूड जब गुजराती को मिल जाता है तो वो नाचने लगता है गरबा। सर पंजाबी हो, आपको कैसा लग रहा है? बिकॉज देखिए भारत में दो ही थालियों का ज्यादा नाम आता है, एक आती है पंजाबी थाली, एक गुजराती थाली। तो ये थाली कैसी है, गुजराती टच है या पंजाबी टच है? ये इंडियन इंडियन टच है, ये पंजाबी टच है। पंजाबी टच है? यस। ओके मिक्स सब्जी है, ठीक है, आलू मटर है, यस ठीक है, यस तवा रोटी है, यस जैसा है, बहुत बढ़िया। ओके लैंड के अंदर अगर इंडियन खाना है, ठीक है, यस यहाँ ये लैंड रॉयल रेसिडेंसी। यस थैंक यू सर। सो टुडेज अ फूड व्लॉग इज गोइंग ऑन एंड आवर पीपल आर रेडी। यस सर कैसे लग रहे हो खानो छे? गुजराती से बिल्कुल एकदम मस्त मस्त। देखा भारत में गुजराती हर जगह ढूंढ ही लेते हैं गुजराती खाना, चाहे थाईलैंड का थाई खाना हो। दाल चावल छे सुपर। सबसे बेस्ट क्या लगा आपको इसमें? चिकन, चिकन अच्छा लगा आपको? ओके सो इनको चिकन लगा। सर आपको क्या क्या चाहिए? बटर मिल्क? Yes. You like buttermilk? I also like buttermilk. Yes. Okay. So, क्या अच्छा लगा आपको आज के डिनर? सब कुछ
रोटी, तवा रोटी, तवा रोटी एग्जैक्टली ये पॉइंट मेरा भी है, तवा रोटी यहाँ पर है, प्योर गुजराती, प्योर गुजराती एग्जैक्टली। आई एम ऑल्सो हमारे बीच मौजूद है हमारे सबसे बड़े किंग क्रिप्टो करेंसी के सर। इसमें क्या करवाना, खाना तो अन्न देता है, सारी दुनिया बिजनेस धंधा जो भी करती है वो इस खाने के लिए करती है सर। सर इसमें क्या है, फूड ब्लॉग चल रहा है, कैसा लग रहा है सर आप ये बताओ। देखिए सुइए मैं, हाँ दूसरी बात यही पूछ रहा हूँ की बैंकॉक में भी हाँ ऐसा खाना मिलेगा, सोचा नहीं जी, ये खाना मिला क्या, सबसे अच्छा खाना ये पैसे देने से भी कोई कोई ऐसा खाना नहीं देता। क्या बात है सुमा, लक्ष्मी रेस्टोरेंट और जिसकी वजह से आज भी हमें डिनर यहाँ मिला है, जिन्होंने ट्रेवल एजेंट से बीट किया था। सर क्या नाम है आपका? ये गुजराती स्टैकर हैं फ्रॉम यूएसडीटी। सर कैसा लग रहा है खाना? ऐसा है मस्त मजा, एग्जैक्टली नो ऑयल नॉट रिच मसाला, इट्स टोटली परफेक्ट। यस थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज। और सर कैसा लग रहा है खाना? सर कैसा लग रहा है खाना? बहुत मस्त लग रहा है, मस्त। खाने में तवा रोटी सबसे अच्छा है, राइट? रोटी अच्छी है, एग्जैक्टली घर जैसी है। ओके सर थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अस। सो ये इंडियन फूड, यस एग्जैक्टली लाइक योर डिनर, थैंक यू द महालक्ष्मी रेस्टोरेंट। एंड नाउ टू व्यूअर फ्रॉम टू स्टैकर फैमिली फ्रॉम यूएसडीटी। सर सुखविंदर जी कैसा है डिनर आज का? देखिए आज के डिनर को मैं बहुत ही प्यार से बता रही हूँ, द ब्यूटिफुल सेव टमाटर एंड तवा चपाती एंड स्नैक्स ओवर हियर, यस भिंडी। आपको क्या फेवरेट लगा इसमें? भिंडी मसाला, ओके थैंक यू। सो ये था हमारा एक और फूड पैकर्स ओवर हियर। सर हाउ वाज द डिनर? बेस्ट। सर कैसे चल रहा है? फूड ब्लॉग चल रहा है हमारा यूएसडीटी का। सो डिनर का टाइम है फॉर 7 अगस्त है, यानी सेकंड डे आर ट्यूर। सो कैसा लग रहा है खाना खा के? लाजवाब। इस थाली में आपको सबसे बेस्ट क्या इंग्रेडिएंट लगा, कौन सी डिश लगी? ऑल ओवर गुड। सर आपको सबसे ज्यादा क्या लगा, बिकॉज आपने बिल्कुल डाइट प्लान लिया है सर यहाँ पे। शीरा यू आर लाइक, आपने रोटी नहीं लिया बिकॉज यू मेंटेन योर डाइट। गुड गुड वेरी गुड। सर आपको इस पूरी प्लेट में क्या अच्छा लग रहा है? All over good? Yeah. Okay. Thank you. And our food vlog is going on. So मैं जो जो पात पात में आएंगे उनसे मैं मिलवाती जाऊंगी। Yes, this is Gujarati food. Nice. Okay, thank you so much. This is the Mahalakshmi restaurant about Land Royal Residency. And now मैं अपनी थाली की तरफ जा रही हूँ जहाँ पर मेरा food होने वाला है। This is my dinner plate and totally vegetarian. So excited. Okay, so moving on. Next vlog. Thank you. My plate about dinner and second day about our beautiful destination place, Land Royal Residency at Pattaya. This is situated in middle of Pattaya and this is the owner basically from Gujarat, India, but he's situated very far from here, so that's why he's here and he's married here. One girl from Pattaya, that's why we are going here. And really Indian food he gave us and really nice. सबसे मेन चीज इसमें है तवा चपाती, जो मुझे दो दिन से मैं मिस कर रही थी। मेरा सबसे फेवरेट है शीरा विद दिस कढ़ी चावल। सो ये मेरे सारे फेवरेट इन्ग्रीडियंट्स है, सलाद है, नींबू है, जो मुझे बहुत पसंद है। सो रियली एक्साइटेड। अभी देखिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ कढ़ी एंड खिचड़ी से। सो द वन बाइट सो जल्दी आइए पटाया हमारी तरफ। थैंक यू। ओके सो गाइज फाइनली हमारे बीच मौजूद है महालक्ष्मी रेस्टोरेंट एंड लैंड रॉयल रेजिडेंसी पटाया थाईलैंड में सिचुएटेड है, जिनके ऑनर मनीष जी सोनी सर। सर आपका स्वागत है इस महालक्ष्मी रेस्टोरेंट में। एज यूजुअली आप ही का है बट आप ऑनर ऑब्वियसली अभी तो हैं, हमेशा नहीं होते हैं। उनकी वाइफ भी हैं, ब्यूटीफुल वाइफ हियर। एंड सर ये बताइए इसमें क्या क्या की एलिमेंट्स है जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं महालक्ष्मी रेस्टोरेंट के? सर कुछ नॉर्थ इंडियन लाइक करते हैं,
यस इंडिया का जो भी फूड है वो पूरा एक एक चीज को मेंटेन करते हैं को खिलाते हैं और यहाँ पे जो है वो सारे कस्टमर को जो भी खाना होता है वो प्रोवाइड करते हैं इसकी वजह से एग्जैक्टली जो सर ने कहा है कि थाईलैंड में इंडियन फूड की जो चेन है उसको प्रॉपर मेंटेन किया है और इंडियन फूड में अकॉर्डिंग टू कस्टमर ये उनके टेस्ट को मेंटेन करते हैं. सबसे पहले जब कस्टमर यहाँ आते हैं उनसे पूछा जाता है कि आप क्या खाना चाहते हो, आप क्या यहाँ पर कैसे ब्रेकफास्ट लोगे, क्या क्या आपको चाहिए डिशेस. तो ये बहुत अच्छी है कि बैंकवेट में बुफेट में क्या क्या आपको डिश रखनी है वो पहले पूछ लेते हैं. जैसे सुबह ब्रेकफास्ट है तो नाइट में पूछा जाता है. तो ये एक रेस्टोरेंट की कहते हैं ना सोल होता है. बिकॉज जब आपके ऑनर्स आपके F&B मैनेजर्स जब आपसे कनेक्ट हो रहे हैं और कस्टमर्स के पास वन बाय वन आकर कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी एक फूड रेस्टोरेंट कह सकते हैं. बिकॉज रेस्टोरेंट को कॉमर्शियल बनाना और एक फैमिलिज्म देना वो दोनों डिफरेंस है जो हमारे ऑनर मनीष जी ने दिया. और मनीष जी मैं बता दूं आप सभी को जो हमारे इंडिया से ही हैं, गुजरात से हैं, गुजराती पीपल हैं, लेकिन ये बिफोर 10 ईयर्स यहाँ पर रहते हैं. यहीं की नेशनलिटी इनकी है, इनकी वाइफ यहीं से है, इनका फैमिली पूरा फैमिली यहाँ भी रहता है, इंडिया में भी रहता है. तो ही इज अ कॉमन पर्सन अबाउट द कंट्री टू कंट्री. सो इनके लिए वर्ल्ड दुनिया है, नॉट ओनली इंडिया. सो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब भारत के लोग अलग अलग देशों में अपनी जिंदगी को इस तरह से बिल्ड किए हुए हैं कि इनके लिए यहाँ पे इतना बड़ा बिजनेस है थाईलैंड में. और थाईलैंड इसलिए भी है, मैं पीपल को ये बताना चाहती हूँ कि थाईलैंड एक कल्चर सिटी है. यहाँ का लैंग्वेज, यहाँ का टेस्ट, यहाँ का फूड इट्स वेरी डिफरेंट. और उसमें एज ए इंडियन टेस्ट फिट करना इट्स वेरी टफ टू एनी बडी. बिकॉज इंग्लिश लोगों के साथ कनेक्ट किया जा सकता है लेकिन कल्चर्ड पीपल जिनका एक संस्कृति है उनके साथ सेटल करना इट्स वेरी टफ. सो जो मनीष जी ने यहाँ किया इट्स वेरी वेरी बिग प्लेजर टू इंडियन पीपल. सर आपको भारत के लोगों को के लिए आपने गौरव किया है सर रियली. क्योंकि जब हम यहाँ आए और हमें वहां से आने में जो अफ्रेड था कि हम क्या करेंगे कैसे खाएंगे, वहां पे लोगों को भ्रांतियां भी होती है जो कभी यहाँ आता नहीं, अरे नहीं वहां तो लोग कॉकरोच खा लेते हैं, अरे नहीं. लेकिन नहीं ऐसा है ही नहीं. आप आइए बिल्कुल फैमिली जैसा है. कहीं आपको कोई पर्सनल सपोर्ट की भी जरूरत है, ये होटल ऐसी है कि आपको फैमिलिज्म दे रही है, परिवार से बढ़कर है गेस्ट इनके लिए. सो इट्स वेरी इथिकल एंथुजियास्ट एंड पीसफुल इन्वायरमेंट ओवर हियर. सो थैंक यू सो मच सर. एंड में आपका मैं थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने हमें इतना अच्छा सपोर्ट किया. सो मैं एंड में यही कहना चाहूंगी कि सर ने हमें हमारा पूरा टूर जो है अकॉर्डिंग टू थाईलैंड पटाया और बैंकॉक तक जाते जाते भी उन्होंने मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया यहाँ पे आने का. सो वो दिल से मैं और मेरी पूरी यूएस टीम की जो कंपनी है ऑनलाइन ट्रेडिंग उनकी तरफ से भी मैं आपका दिल से थैंक यू करी. और डेफिनेटली वी विल कम अगेन विद द फैमिली विद फ्रेंड्स एंड आई रेफर टू अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स. So best of luck for your journey about the Mahalakshmi restaurant. As usual, your hotel also. So always you rock. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Always keep blessing. Thank you.